हैप्पी दुर्गा पूजा टू ऑल द बंगालीज। तो आज हम लोग दुर्गा पूजा देख के अभी जाएंगे कहाँ पे? ऊटी पे जा रहे हैं और अभी हम लोग हैं बस पे, सो हम लोग जा रहे हैं वे टू ऊटी। सो देखते रहिएगा ट्रैवल ब्लॉग। सो आज हम लोग ऊटी एक्सप्लोर करेंगे। हम लोगों का अभी हम लोग ऑलमोस्ट 20 मिनट्स फ्रॉम द सिटी है बैंगलोर सिटी। तो बैंगलोर से हम लोग अभी ऊटी जा रहे हैं। हम लोगों ने रेड बस बुक किया है और सीट बहुत ही कंफर्टेबल है। हम लोग एक शॉट भी दिखाएंगे सीट्स का, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। ऑलमोस्ट 6-7 आवर्स जर्नी है। सुबह अराउंड 6:30 के आसपास हम लोग पहुँच जाएंगे। उसके बाद बहुत साइट सीइंग है, एक्सप्लोरिंग है, हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा कुछ प्लान किया है। तो अभी बहुत ही मज़ा आने वाला है। पूरा फूड ब्लॉग पे आप लोग देखते रहना। हमने कुछ प्लीज ट्रैवल ब्लॉग कुछ भी ऐसा नहीं पैकेज नहीं लिया है, सो हम लोग खुद से ही जा रहे हैं। सो लेट्स एक्सप्लोर। मुझे नवरात्रि डेज में कैसा लगता है बाहर, मतलब टूरिस्ट प्लेस में, तो देखते रहेगा श्योर। और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। उसके पहले एक चीज़ मैं बता दूं कि यहाँ पे बैंगलोर में दुर्गा पूजा का मिलना काफ़ी डिफिकल्ट है। तो एक पूजा हम लोग आर टी नगर गए थे, जहाँ पे हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया और कुछ एक दो शॉट्स भी आपको दिखाएंगे आर टी नगर पूजा का। जो भी यहाँ पे है बैंगलोर में है, अगर आप आर टी नगर के आसपास है या फिर दुर्गा पूजा एक्सप्लोर करना चाहते हो, प्लीज़ इट्स रिकमेंडेड कि आप जाओ आर टी नगर में। कोई वैसे एंट्री रेस्ट्रिक्शन नहीं, नॉन मेंबर्स नॉन विजिटर्स का ऐसा कुछ लोचा नहीं है। आप लोग जा सकते हो और एंजॉय कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे बंगालीज कम्युनिटी है आसपास, सो अकॉर्डिंगली आप जा सकते हो। ठीक है, स्टे ट्यून्ड और हम लोग बीच में शॉट्स दिखाएंगे आपको। स्टे ट्यून्ड टू लेंथ ऑफ दिस ब्लॉग। बस का इंटीरियर है। बेंगलोर से ऊटी तक का 270 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए 7.5 आवर्स लगता है। दो लोगों का कॉस्ट अराउंड 3400 था। वैसे 6 फीट इंसान के लिए ये जगह इनफ तो नहीं है, लेकिन सह लेंगे। 7 घंटे की जर्नी है, सह लेंगे थोड़ा। आधे टाइम तो सोते ही रहेंगे। दिक्कत यही है कि मुझे डर है मैं गिर ना जाऊं, लेकिन यहाँ पे 2-3 बैरियर्स है तो शायद मैं नहीं गिरूंगा। अगर गिर गया तो वो ज़रूर वीडियो लेगी मेरा, ठीक है? तो वो क्या देख सकता हूँ अगर मैं गिर जाऊँ। बड़े बड़े लाइक क्या बोलूँ मैं, हिली एरिया है यहाँ पे। बहुत ही अच्छा लग रहा है, चारों तरफ जंगल है, व्यू बहुत ही अच्छा है एकदम। स्काई बहुत ही क्लियर है, मतलब बहुत ही नेचर वाला फीलिंग आ रहा है। और लोग हम लोग यहाँ पे पहली बार आए, पर तो पहले आ चुके हो ना, पर अच्छा लग रहा है मुझे बहुत। अभी तक डेस्टिनेशन में पहुँचे ही नहीं, पर व्यू अच्छा दे रहा है ऑल द रस्ते में। लेट्स सी हाउ इट बिगिंस फ्रॉम ऊटी बस स्टेशन। कलर कोडिंग, जो मन है वो बनाओ कलर्स के घर, और सारे एक साथ मतलब अटैच लग रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा है ना हिली एरियाज में पहाड़ में घर। इसको टाली या टैली कुछ बोलते हैं ये वाले को, मुझे याद नहीं आ रहा है। अच्छा लग रहा है, कूलेस्ट प्लेस।
ऐसे क्यों लग रहा है कि बारिश होने वाला है? सारे क्लाउड्स ना उस साइड पे जा रहे हैं पहाड़ के पीछे, और इधर इधर क्लियर है, उस साइड में सारे क्लाउड्स इकट्ठे हो रहे हैं। यहाँ पे तो सुबह भी पीस लगता है, आफ्टरनून में भी पीस लगता है, रात को भी शांति लगता होगा। एक घर बना लेते चलो पहाड़ पे। जरूर तुम उस घर का खुदाई करो, मैं उस घर पे सामान लाऊंगी। एक काम करते चलो वहाँ पे ना वो वाले पहाड़ भी बना लेते हैं, ये वाले पहाड़ इधर जंगल में ही रहना, इधर कोई नहीं है, जंगल में ऊपर से सबको देखेंगे। ये तो बीच में तो बना सकते हैं, पर बीच में तो कोई जगह छोड़े नहीं है लोग। ये तो वो एक घर है ना, एक थोड़ा सा आइडल है, देखो इधर 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 व्हाइट वाला घर है, उधर ही आस पास बना लेंगे ना। तो गाइज़ यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं होटल थानिश रेजिडेंसी, यहाँ पे हम लोगों ने आज का स्टे बुक किया। ये जगह बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, और आप लोग देख सकते हैं इतना अच्छा व्यू हम लोगों को मिला। ये बेसिकली ये जगह जो है ये हम लोग वॉक कर सकते हैं और यहाँ से इस व्यू का आनंद ले सकते हैं। तो चलिए रूम का थोड़ा नज़ारा कर लेते हैं। थोड़ा ये आउटस्कर्ट्स में है और इतना डेवलप नहीं है ना जगह, तो यहाँ पे बहुत ही क्रिटिकली उन लोगों ने प्लेस किया है। जैसे कि ये एक रूम है, यहाँ पे कॉमन एरिया है, और कोई अगर लॉन्गर स्टे के लिए रहना चाहता है तो ये किचन भी यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक आई कैन शो यू द किचन, हाँ सो ये बेटर है। यहाँ पे देख सकते हैं इंडक्शन है, दीज आर ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट एंड इट कम्स विद द ओयो बुकिंग। सो हम लोग यहाँ पे एक ही दिन के लिए रह रहे हैं, तो आई डोंट थिंक विल बी कुकिंग एनीवेज। तो ये एक और रूम है ये वाला, और ये मेन जगह है कॉमन एरिया, और ये हम लोग का रूम है। ये अन्वेषा है, से हाय। यस सो ये देख सकते हैं कि ये रूम क्वाइट कोजी है, थोड़ा सा छोटा है पर अच्छा, यहाँ से व्यू दिखता है बहुत दूर, और हम लोग टेरिस का शॉट थोड़ी देर बाद दिखाएंगे। जस्ट हम लोगों को फ्रेश होना है क्योंकि वी हैड ऑलमोस्ट 12 आवर्स ऑफ आवर जर्नी, विच वॉज सपोज टू बी 9 आवर्स, बट रास्ते में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि रूम से कितना अच्छा नज़ारा है, एंड हम लोग काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं ये व्यू, और बेसिकली ऊटी व्यूज़ के लिए फेमस है। तो आई होप ये बेडरूम जो है रूम जो है वो आपको अच्छा लगे, एंड यू कैन चेक आउट थानिश रेजिडेंसी। अगेन इट इज़ नॉट अ प्रमोशनल वीडियो, बट यू कैन चेक इट आउट, इट्स क्वाइट नाइस एंड द स्टाफ इज क्वाइट नाइस एज वेल। चलिए बाद में हम लोग मिलते हैं। हे गाइस, तो अभी हम लोग जा रहे हैं साइट सीइंग करने के लिए। हम लोग ऊटी में हैं और अभी फर्स्ट टारगेट है कि बोटानिकल गार्डन देखें। बहुत ही पॉपुलर जगह है और बहुत ही खूबसूरत भी है। मैं जब बहुत ही छोटा था तब आया था, तो अन्वेषा के लिए ये फर्स्ट टाइम है, तो आई होप हमें पसंद आए। ऑफ कोर्स इवन आई होप कि वो पसंद आए। यहाँ का सीनरी बहुत ही अच्छा है और वेदर बहुत ही कोल्ड है, यहाँ पे हर एक मिनट में बारिश होती है, और वो भी मतलब लाइट ड्रिजल्स, हाँ लाइट ड्रिजल्स, वेरी लाइट ड्रिजल्स। थोड़ा इरिटेटिंग है क्योंकि बारिश मतलब एक बार आपको छाता निकालना पड़ेगा, दूसरी बार आपको वो छाता फिर से अंदर करना पड़ेगा, तो थोड़ा इरिटेटिंग है। बट अभी देख सकते हो कि अभी सनी हो गया, तो बहुत ही एरेटिक वेदर है, वेदर का कुछ पता नहीं है, पता ही नहीं है, बट हम लोगों को मैनेज करना पड़ेगा। ओके तो बाद में अपडेट देते हैं, हम लोग बोटानिकल गार्डन जाते हैं, उसके बाद खूब बताएंगे। साइट सीइंग के टाइम पे हम लोगों को ये मंदिर मिल गया, लेकिन ये मंदिर हम लोगों के वॉच लिस्ट में नहीं है, सो लेट्स मूव ऑन।
पे आप सिटी भी देख सकते हैं, ये एक ओवरव्यू है सिटी का हिल पॉइंट से। और अभी हम लोग थोड़ा वॉक कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पे कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, शायद हम लोग एक कार बुक कर लेंगे और यहाँ से हम लोग निकल जाएंगे बोटानिकल गार्डन्स की ओर। ज़्यादा दूर नहीं है सिटी से, लेकिन वो एक मस्ट गो प्लेस है।